महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि 25 नवंबर से प्रारंभ होकर के 1 दिसंबर 2024 तक का रहेगा। और हम आपको बताएं, ये राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों, दशमस्थ शनि गुरु के प्रभाव से सरकारी क्षेत्रों में परेशानियां होंगी। सरकारी क्षेत्र के जो कार्य हैं उसमें आपको रुकावटें हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आपको निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन भी बनते रहेंगे। भाई बंधुओं में मतभेद की स्थितियां, परिवार में मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं, परिवार में भाई बंधुओं के साथ में मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं, अर्थात सुख का थोड़ा सा अभाव हो सकता है। सुखी जीवन, प्रसन्नता का जीवन, इसमें थोड़ा सा अभाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ ही सप्ताह के अंत में आपको विदेश जैसी यदि कोई कार्य आपके चल रहे हैं या रुके हुए हैं, या कहीं दूर देश के आपके कार्य रुके हुए हैं, या कोई कार्य आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो उन कार्यों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ ही खर्च के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। खर्च आप अधिक करते हैं तो उस खर्च के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना है, और बेकार की मानसिक उलझने आपको सताती रहेंगी। तो आपको उपाय क्या करना है, प्रतिदिन आप दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और बृहस्पति सतनाम स्तोत्र, बृहस्पति भगवान का सतनाम स्तोत्र, उसका आपको पाठ करना चाहिए और कन्याओं का पूजन करना चाहिए। चर्चा करते हैं वृष राशि के जातकों की। सप्ताह का प्रारंभ जब हो रहा है तो शुक्र अष्टम भाव में संचार करने से पारिवारिक स्थितियों में विशेष उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, और इसके साथ साथ खर्च भी आपका अधिक रहेगा। खर्च के ऊपर भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। निकट के बंधु बांधव जो हैं या मित्र इत्यादि हैं, इनसे मन मुटाव जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और व्यथा अर्थात बेकार विचारधाराएं आपके मन में आएंगी और बेकार की सोच आपके मन में आएगी, उससे थोड़ा सा हटने का प्रयास कीजिएगा। धन का आकस्मिक नुकसान हो सकता है आपका, तो नियंत्रण करके रहिएगा। और सप्ताह के अंत की अगर हम बात करें तो कार्य और व्यवसाय में परिवर्तन व विस्तार की योजना भी बढ़ेगी। व्यापार के कार्य में परिवर्तन भी हो सकता है और आप दूसरी योजनाएं भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आपको अपना ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों, आपका कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, तो सप्ताह के प्रारंभ की अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में सूर्य और बुध आदि ग्रहों की स्थितियां होने से शुभ एवं मिश्रित प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, जिसमें मान सम्मान आदि में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म और कर्म के मार्ग में आपकी रुचि अधिक बढ़ेगी। धर्म और कर्म के मार्ग में आप आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आय के साधन भी आपके बनते रहेंगे, परंतु इसके साथ साथ संतान संबंधी विशेष चिंता एवं उनके करियर को लेकर के भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ सकती है। संतान संबंधी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए
और इसके साथ साथ ही धन का अधिक अपव्यय अर्थात खर्च भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी आपका ढीला रह सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के जातकों, कैसा रहने वाला है आपका ये सप्ताह? तो कर्क राशि के जातक इस सप्ताह में कुछ रुके हुए कार्यों की प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आपके जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों और संबंधियों का सहयोग, आर्थिक सहायता भी आपको प्राप्त होने के योग इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। परिवार में शुभ एवं मंगल कार्य भी आपके संपन्न होंगे। धनागमन के साधनों में वृद्धि के साथ साथ खर्च भी अधिक होगा, धन भी आएगा उसके साथ साथ खर्च भी अधिक होते हुए दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में बेकार की मानसिक एवं तनाव जैसी स्थितियां, बेकार की भागदौड़ और विदेशी प्रयासों में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। अगर आपके कोई कार्य बाहर के पड़े हुए हैं तो उनमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नए मित्रों के साथ में आपके संबंध भी बनेंगे या नए मित्र भी आपके बनेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए उपयोगी होंगे, शुभकारी होंगे। आपको हनुमान चालीसा, सुंदर कांड इनका पाठ करना चाहिए और आपका पाठ करने का जो क्रम होगा सायंकालीन होगा। आपका दिन शुभ होगा, आपका ये सप्ताह मंगलमय होगा। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह शनि की इस राशि पर दृष्टि होने से आर्थिक लाभ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। आर्थिक लाभ, धन लाभ में विघ्न बाधाएं आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। अत्यधिक परिश्रम के पश्चात भी आय के साधन आपके सीमित रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम बहुत रहेगा, भाग दौड़ बहुत रहेगी। आप सोचेंगे कि इतनी भाग दौड़ हम करते हैं फिर भी उतना लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। राशि स्वामी सूर्य भी नीच राशिगत संचार करने से कई प्रकार की उलझनों के कारण धनागमन के साधनों में, धन के आगमन का जो साधन है उनमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। कार्य पद्धति में यदि आप परिवर्तन के आसार बनेंगे, कार्य भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, कार्य दूसरा कार्य भी आप प्रारंभ कर सकते हैं या किसी दूसरे कार्य को करने के लिए आप विचार भी बना सकते हैं। और परंतु वाहन इत्यादि सुख साधनों पर धन अधिक खर्च होगा। हो सकता है आप इस सप्ताह कोई नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो उसमें भी धन का खर्च होगा। आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य का विधि पूर्वक से अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रातःकाल उठ करके आपको अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों, आपका ये सप्ताह में पूर्व में किए गए प्रयासों के साथ साथ आय के साधनों में वृद्धि होगी। सुख साधनों पर धन आपका अधिक खर्च होगा। परिवार में शुभ एवं मंगल कार्य भी आपके संपन्न होंगे परंतु सरकारी कार्य क्षेत्र में, सरकारी कार्यों में आपको कुछ तनाव जैसी स्थितियां भी इस सप्ताह नजर आएंगी। धन का, बेकार का खर्च आपका बढ़ेगा। सप्ताह के अंत की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परिवार में किसी को दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य की परेशानियां परिवार के सदस्यों को हो सकती है। चिंता एवं मतभेद भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको आलस्य जैसी स्थितियां कारगर रहेंगी। आलस्य में वृद्धि रहेगी, आलस्य अधिक आएगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आपका ये सप्ताह शुक्र धनु राशि में होने के कारण व्यवसाय में अत्यंत ही परिश्रम करना पड़ेगा। जो भी आप कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक परिश्रम करने के योग दिखाई दे रहे हैं।
अत्यधिक जब परिश्रम करेंगे तब आपको इस कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन का खर्च भी अधिक रहेगा, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में विघ्न और दूरस्थ यात्राएं अर्थात दूर की यात्राएं भी आप कार्य क्षेत्र को लेकर के कर सकते हैं। किसी विशेष धोखे से आपको बचने की आवश्यकता है, सचेत रहिएगा इस सप्ताह में। भाई बहनों में मतभेद हो सकता है और उनके सहयोग में कमी भी आपको दिखाई पड़ सकती है कि भाई और बहन का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी कुछ ढीला रहेगा। प्रतिदिन आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और मिष्ठान्न प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ बांटना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह गुरु की दृष्टि एवं मंगल नीचस्त होने से स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा ढीलापन रह सकता है। मानसिक तनाव भी आपको सता सकता है। घरेलू उलझनों के कारण आप थोड़ा सा अपने आप को कमजोर सा महसूस कर सकते हैं, घरेलू वातावरण के कारण। और इसके साथ साथ आपको आलस्य भी इन दिनों सताएगा, परंतु गुरु के प्रभाव से धन के आय के साधन बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही दूरस्थ यात्रा, दूर की यात्रा भी आप कर सकते हैं और मनोरंजन आदि के कार्यों पर आपका धन अधिक खर्च भी हो सकता है। और इसके साथ ही आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए और कन्याओं को कुछ मिष्ठान्न आपको बांटना चाहिए। धनुराशि के जातकों, आपके लिए यह जो सप्ताह है यह बिगड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कार्य आपका यदि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रुका हुआ पड़ा हुआ है, तो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक आय के साधन भी बनते रहेंगे, परिवार में आय भी प्राप्त होती रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति भी होती रहेगी और इसके साथ साथ आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक और व्यावसायिक उलझने आपको सताती रहेंगी। एक तो परिवार की उलझने और दूसरा व्यवसाय की उलझने आपको सताती रहेंगी। व्यथा की भागदौड़ बनी रहेगी। विवाद से दूर रहे तो अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह मिश्रित प्रभाव लेकर के आ रहा, ना ही ज्यादा आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और ना ही कोई हानि जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यद्य परिवार में आय के साधन आते हुए विघ्न रहते हुए दिखाई दे रहे, परिवार के अन्य जो लोग हैं उनके साथ में आय के साधनों में थोड़ा सा रुकावट होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु निकट बंधुओं से तनाव एवं सरकारी क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में सहयोगियों से धोखा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप सचेत रहिएगा इस सप्ताह, आपको कहीं न कहीं से हानि प्राप्त हो सकती है धोखे की, या धोखे में किसी तरह से आपके साथ में कोई अविश्वास कर सकता है। स्वास्थ्य आपका ढीला रहेगा, सिर दर्द जैसी समस्याएं बनी रहेंगी या आंखों में कष्ट हो सकता है, आंख संबंधी भी परेशानियां आपको सता सकती हैं। व्यर्थ के कार्यों पर थोड़ा सा धन को खर्च करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिदिन राम जी का आपको पूजन करना चाहिए या राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, यह सप्ताह आपका भागदौड़ भरा हुआ रहेगा। प्रत्येक कार्य में विघ्न और अनावश्यक, किसी कारण का नहीं अकारण ही धन आपका खर्च हो सकता है। कार्य में विलंब के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें विलंब अर्थात
देरी से कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोधी जो हैं आपके सक्रिय रहेंगे, अकारण ही क्रोध आपको आएगा, कोई कारण नहीं होगा क्रोध आने का, बाद में आप पछताएंगे भी ये क्रोध हमको क्यों आया। उत्तेजना एवं जल्दबाजी में कोई भी बना हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है, सावधानी बरतें। और आय के क्षेत्र की अपेक्षा धन आपका अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। निकट के बंधुओं से टकराव जैसी स्थितियां या मित्रों के साथ टकराव हो सकता है। आप अपने तरफ से इस तरह के कार्यों को रोकने से आपको बचना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्या आपकी बनी रहेगी, तो उसके लिए उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु का आपको पूजन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु स्तोत्र का पाठ करिए या हरि कीर्तन करिए, जितना भी आपको समय मिले उस तरह। मीन राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह भाग्योदयकारी घटनाओं का आभास आपको मिलेगा, भाग्य उदय होते हुए ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देंगी। शारीरिक और मानसिक तनाव ग्रस्त रहेंगे आप, शरीर में कोई न कोई कष्ट और भय आपको बना रहेगा, रक्तचाप के बढ़ने के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर से आपको परामर्श लेना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उसका तुरंत उपचार कराएं। और इसके साथ साथ लग्नस्थ मंगल शनि की 7.5 के कारण भी मन में थोड़ी सी अशांति बनी रह सकती है। आपको उपाय क्या करना है, दशरथ कृत शनि 7.5 का प्रभाव दूर करने के साथ ही आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है और शनि देव की प्रसन्नता के लिए शनि 40 भी आपको पढ़ना उत्तम रहेगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया यह राशिफल जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में। अगर चाहते हैं किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान से रिलेटिव चर्चा करना तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।